प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल जो रियल स्टेट ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजवंश सिंह मौली, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है ये मैनिपुलेशन के ऊपर है। मैनिपुलेशन के ऊपर क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा ये इस बात पर जोर देता हूँ, यदि आपको रियल स्टेट का काम करना है तो उसमें तीन चीज़ें मेन है। नंबर वन, कैलकुलेशन। नंबर दो, कंपैरिजन, रेट का कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ रेट। नंबर तीन है इसमें मैनिपुलेशन। तो इसमें ये बेसिक जो चीज है रियल स्टेट सीखते वक्त, करते वक्त, जो रियल स्टेट का काम नया शुरू कर रही हैं या जिन्होंने शुरू किया हुआ है और सक्सेसफुल है, वो ये तीन बातों से बाहर नहीं जा सकते। तो ये तीन बातें ऐसी बातें हैं जो आपको सक्सेसफुल रियल स्टेट एजेंट या डेवलपर, इन्वेस्टर बनाने में सक्षम है और आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये अभी किसी का YouTube चैनल पे कमेंट थे कि सर आप मैनिपुलेशन बार बार बोलते हो, मैनिपुलेशन क्या है इसके बारे में समझाओ। ये एक मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है, प्रैक्टिकल लाइफ स्टडी, मतलब केस स्टडी है, और ये जो मैंने डबल में मार्क किया है ये प्लॉट है जो हमने लिया था। ये हरियाणा के यमुनानगर में प्लॉट है ये, और ये प्लॉट सिर्फ 44x340 साइज़ का प्लॉट है। इसको मैं कभी भी रिकमेंड मैं भी नहीं करता, क्योंकि ऐसे प्लॉट जो हैं रेलगड्डी की तरह बनते हैं और ऐसे प्लॉट को बेचना बड़ा मुश्किल होता है। ये किसी बंदे ने वहाँ पर जो लोकल हैं उनको ये मतलब उन्होंने लिया नहीं कि इसमें कुछ नहीं है यार, मतलब जो भी है उनके दिमाग में था कि इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो फिर भी हमने लिया इसको। हमने लेने के बाद ये उसके पास कॉलोनी है जो बिल्कुल बसी हुई है, प्लॉट का साइज़ ये 44 फुट लिखा मैंने, 44x340। तो हमने क्या किया इसमें, ये साथ ये प्लॉट लेने के बाद ये साथ में जो कॉलोनी बनी हुई है पूरी बसावट है इसमें, पूरे मतलब लोग रह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक प्लॉट मिल गया हमें 22x35 का। हमने ये रास्ता लगी रहा, ये रास्ते से बाद इसको रास्ते फिर आ गया, हम यहाँ पर आ गए इस प्लॉट को। अब हमने क्या किया, इसके ये तीन प्लॉट बनाए, 14x60 तीन प्लॉट बनाए, तीन प्लॉट जिस कीमत में बेचे ये पूरी ज़मीन की कीमत से भी ज़्यादा थी, मतलब ये 36 लाख की डील है टोटल, और ये प्लॉट जो बिके 42 लाख में, तीन प्लॉट कमर्शियल प्लॉट, तो ये 42 लाख में बिके, हमारे पास छः लाख रुपये बच गया, 6 में से 5.5 का ये प्लॉट ले लिया हमने, 6.5 का प्लॉट लेके इसके रास्ता यहाँ से लगा दिया, और ये सामने हमने ये बेच के अपने पैसे निकाल लिए। अब ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास 1400 गज की, ये रास्ते समेत हमें जीरो रेट पे पड़ रही है। यदि 1400 गज को हम 2000 रुपये गज में बेचने में भी कामयाब हो जाते हैं तो 1400 को 2000 से मल्टीप्लाई करो, 28 लाख रुपये बनता है। 36 लाख की डील, चलो 5.5 की ये लगा लो, 41 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट और 28 लाख रुपया प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कैसे हो गया, क्या इसमें मैनिपुलेशन हुई, टोटल मैनिपुलेशन, इस ऐसे काट के ऐसे कर दिया, ऐसे काट के ऐसे कर दिया। मैनिपुलेशन को लोग नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिविटी नहीं है। जैसे होशियार और मकार में फ़र्क है, मकार नेगेटिव शब्द है और होशियार होना पॉजिटिव शब्द है, इसी तरीके से मैनिपुलेशन का मतलब है कि आपने सिचुएशन को स्किलफुली हैंडल कर लेना है। यदि आप उसको स्किलफुली हैंडल करने में कामयाब हो जाते हो, उसको सही तरीके से उसके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हो, तो आप डेफिनेटली उसमें से पैसे कमा सकते हो। ये सिर्फ सारी माइंड गेम है, आप ऐसे इस तरीके की माइंड गेम आप लगा सकते हो तो ज़रूर लगानी चाहिए। इसमें ऐसे प्रॉपर्टी में काफ़ी फायदे हो सकते हैं, इस तरीके की प्रॉपर्टी आपको आम ही मिल जाती है, आप देख सकते हो, फिर भी आप देख लेना उसको कि इसको प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये बहुत सिंपल था जो मैनिपुलेशन के बारे में मेरे को मैंने समझाना था आपको, क्योंकि मेरा ख्याल 6-7 बंदों के कमेंट थे यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर
कि आप मैनिपुलेशन बार बार बोलते हो, मैनिपुलेशन के बारे में मैं बताऊँ तो ये उम्मीद है कि आपको मैनिपुलेशन जो शब्द है उसकी समझ आ गई होगी और इसको प्रैक्टिकल तरीके से रियल स्टेट बिजनेस में कैसे लागू किया जाता है वो मैंने ये उदाहरण समेत आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और चर्चा करना इसके ऊपर, और कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किसका इंतज़ार कर रहे हो, करो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाओ। बहुत जल्द मिल रहा हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, इसी तरीके से सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद। राजवंश सिंह मौर्य, थैंक यू वेरी मच।